के स्टिकर लगा दियो माइक लगाओ है कोई मुर्दाबाद 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 राकेश जी के 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 मुर्दाबाद 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 के नारे क्यों लगा रहे हो भारत माता की राकेश जी के देश का दुश्मन है ये देश का दुश्मन है राकेश टिकैत देश को आज इसे बहुत पीछे ले गया है इसलिए इसके मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं कहेंगे राकेश टिकैत के लिए राकेश टिकैत विदेशियों के हाथों में खेल रहा है और विदेशियों से पैसा लेकर के देश को पीछे ले जाने का काम कर रहा है ये देश का बहुत बड़ा दुश्मन है राकेश टिकैत आया राकेश टिकैत यहाँ पर हाँ जी राकेश टिकैत क्यों आए हैं आप अब ये पता नहीं जी क्यों आया यहाँ पर इसको तो आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए था अगर हमें वो मिल गया हम जूतों से उसकी करेंगे यहाँ पर कहेंगे आप क्या ये गलत है जी ऐसे आदमियों को ऐसी महान विभूति के अंतिम दर्शनों के लिए नहीं आना चाहिए इसका हम सख्त विरोध करते हैं डकैत है राकेश डकैत है ये डाकू है विदेशियों से और दूसरी पार्टियों से पैसा ले ले करके लोगों को बेवकूफ बना करके देश को पीछे ले जाने का काम कर रहा है चलिए जो राकेश टिकैत का नाम लेकर जनता काफी ज्यादा आक्रोश में है यहाँ पर नारे लगाओ भारत माता की भारत माता की भारत माता की जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का नाम रहेगा बिपिन रावत अमर रहे बिपिन रावत अमर रहे अमर रहे बिपिन रावत अमर रहे अमर रहे अमर रहे बिपिन रावत अमर रहे अमर रहे अमर रहे हाँ जी राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं आप लोग हाँ जी ये राकेश टिकैत टिकैत नहीं है डकैत है ये विदेशों से और दूसरी पार्टी से पैसा ले ले करके देश को बेवकूफ बना रहा है देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है करोड़ों पति है अरबों पति है ये सब पता नहीं कितना कितना पैसा कमा करके अपनी कोठियां भर ली है और देश के लोगों को बेवकूफ बनाने पर लगा हुआ है राकेश टिकैत मुर्दाबाद 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 राकेश टिकैत मुर्दाबाद 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 राकेश टिकैत राकेश टिकैत के लिए राकेश टिकैत किस श्री का भी उसको अंदर जाने किस लिए दिया कम से भी नौ बजे से हम अभी तुरंत चला गया सुबह छह बजे खड़े हुए पागल को बुरा कह करके और कृषि कानून कृषि के लिए जो फायदा हुआ होने वाला था उसको उसने अनवायलेट कर दिया है जो प्रधानमंत्री के पीछे इतना खिलाफ बोलने वाला आदमी गाली देने वाला आदमी को इतना बड़ा सम्मान कैसे मिला इसका बहुत बड़ा दुश्मन है ये एक नंबर का चोर है टिकैत वो तो खुद लाल किले पे चढ़ के अपना काम करवा गए लेकिन हम यहाँ खड़े हमें दर्शन का मौका नहीं मिल रहा ऐसे चोर कब से वीआईपी हो गए पता नहीं उसको दर्शन का मौका क्यों दिया राकेश टिकैत देशद्रोही राकेश टिकैत मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश टिकैत बाहर करो बाहर करो बाहर करो राकेश टिकैत को बाहर करो सुबह 6 बजे 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व होता है उस दिन इसने पूरी दिल्ली को हिला दिया था आग लगा दिया था पूरी दिल्ली में ढोंगी किसानों को बाहर करो नहीं चलेगी नहीं चलेगी राकेश टिकैत मुर्दाबाद 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 राकेश टिकैत मुर्दाबाद 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 गद्दारों को बाहर करो बाहर करो देश के गद्दारों को मुर्दाबाद राकेश टिकैत 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया था भारत का कितना अपमान हुआ था विदेशी फंडिंग हुई क्या क्या हुआ उसमें कितने जवान 400-500 उसमें से घायल हुए थे इतना ज्यादा हुआ था उसके बाद आज ये अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ सुबह से खड़े हुए हैं तो हम लोग को दर्शन नहीं चाहिए ये एक देश विरोधी होकर कब से हो गया देशद्रोही बंदा है ये व्यक्ति देशभक्त बन कब से गया ये बरसाती मेंढक है भारत तो टिकेगा ही नहीं राकेश टिकैत को अपने के बीच में जूता मारना चाहिए और जूता जो उसने काम किया है जो देश को प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं कर सकता है उसको इतना बड़ा सम्मान कैसे मिला मैं तो ये जानना चाहता हूँ बड़ा दुख की बात है कि आम पब्लिक को
की तरह उसको सम्मान मिलना चाहिए था तो ठीक है। ट्विटर पे देखिएगा आपको सब पता चल जाएगा क्या दूध है और क्या कितना पानी उसमें है। ठीक, ये लोग ऐसे हैं कि जब लगता है कि अब इनकी सत्ता नहीं चलेगी तो ये आ जाते हैं अपनी वोट बैंक जमाने के लिए। ये ढोंगी किसान है, ये किसानों के नाम पे इलेक्शन लड़ेगा, कहीं ना कहीं से ये टिकट निकालेगा और ले लेगा, बस ये चक्कर में क्या कह रहे हैं इस लोगों का, अंदर से बाहर निकलवा दो, एंट्री करा दो, अंदर एंट्री करा, कहा डकैत को बाहर निकालो इसको, जो देश का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता है, और इंडियन आर्मी का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये जो डिफेंस है जितने भी रिलेटेड है, एक एक का भी कोई नहीं हो सकता। यहाँ लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत डिफेंस के नहीं हो सकते और इसीलिए लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है। राकेश टिकैत कहा जो माइक लगाओ है कोई, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राकेश टिकैत 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो? भारत माता की, राकेश टिकैत मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 राकेश टिकैत मुर्दाबाद मुर्दाबाद।